भाग 9 अंधियारा। टाइटल है अधूरी कहानी। तीनों दोस्त बेहद ही डरे हुए होते हैं। शिवानी अपनी डरावनी हंसी हंसती है। सुधीर कहता है, भागो सब यहाँ से। तीनों उस खंडर से बाहर आते हैं, जिस पर महेश कहता है, हम शिवानी को इस हालत में छोड़ देंगे क्या? सुधीर, क्या तुम्हें दिखा नहीं कि वो क्या बन गई है? जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। महेश अपनी पॉकेट में चाबियों को चेक करता है, चाबी अंदर ही छूट गई। तभी सुधा कहती है, भगवान ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ है। तभी शिवानी बाहर निकलती है। सुधा बहुत डरी हुई होती है। सुधीर कहता है, जल्दी निकलो यहाँ से। सुधा और दोनों साथी भागते हैं। सुधा कहती है, अब हम क्या करेंगे? सुधीर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कभी भी चीजों पर विश्वास नहीं था। लेकिन तभी उनके सामने शिवानी आती है। जो कि सबसे पहले सुधीर को मार गिराती है। सुधा यह सब देखकर बहुत डर जाती है। महेश सुधा को अपने साथ खींचकर लेकर जाता है। निकलो यहाँ से। सुधा वहाँ से जाना नहीं चाहती। नहीं, क्या कर दिया ये तुमने? दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ही भागते भागते सुधा का पैर टकराता है और सुधा गिर जाती है। मैं उठ नहीं पा रही। और तभी पीछे से शिवानी आती है और एक जोरदार वार के साथ वो उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देती है। और वहां से वो निकल जाती है आंखों में आंसू। क्या मैं सिर्फ सजा के काबिल थी? क्या मुझे प्यार नहीं मिलना चाहिए था? जार को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, पर तुमने मुझे कभी नहीं समझा, ना मेरे जिंदा रहते और ना ही मेरे मरने के बाद। वो पुराना समय याद करती है। जारको के लिए चाय लेकर आती है और कहती है, सुनिए जी, सुरेंद्र आए थे, तंत्र मंदिर से गुरुजी ने आपको बुलाया है। जारको उसी पर उठ जाता है। वो पूछती है, इतनी जल्दी क्या है, खाना खा कर जाते। लेकिन जारको उसे उल्टा जवाब देता है, अपने काम से काम रखो तुम। वो रोती है, क्या हुआ, मैंने तो बस बोला था। जारको चिल्लाता है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, क्या सुनंदा चुप नहीं रह सकती तुम? बस गंगा जमुना बहा लो, परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे। इतने में ही सुरेंद्र आता है और कहता है, जारको बस हो गया तुम्हारा, चलो अब जल्दी यहाँ से। तभी जारको कहता है, अच्छा हुआ सुरेंद्र, तू आ गया। सुरेंद्र कहता है जारको को, तंत्र साधना कर रहा है तू, इतना गुस्सा ठीक नहीं तेरे लिए। और वहीं दूसरी तरफ सुनंदा सारी बातों को याद करते हुए रोती है। सुनंदा की बच्ची आती है, माँ माँ तुम रो क्यों रही हो, पिताजी ने फिर से तुम्हें डांटा। सुनंदा अपनी बेटी को समझाती है, नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रही हूँ। बेटी मासूम सी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम रो रही हो। और वहीं दूसरी तरफ जारको और सुरेंद्र एक साथ होते हैं। सुरेंद्र कहता है, सुनंदा भाभी पर ताव दिखाना बंद करो, अब तो तेरी जिंदगी में अदिति भी आ गई है, कम से कम बेटी के नाम पर भाभी को मन से अपना लो। लेकिन वहीं जारको उस बात को टाल देता है, क्या हूँ, कहीं तू अभी भी वैशाली की याद में तो नहीं झूल रहा, अच्छा अक्ल अभी भी घास चल रही है क्या? जारको जवाब देता है, मेरी अक्ल सलामत है, लेकिन मेरी जिंदगी जहन्नुम माँ बाबू की वजह से है। वैशाली से अलग करके सुनंदा को मेरे गले बांध दिया और अदिति की पैदाइश भी उन्हीं की मर्जी है, मेरी नहीं। सुरेंद्र कहता है,
तुझे बोलने में शर्म भी आती है या नहीं? वैशाली अपना घर बसा चुकी है, लेकिन तेरी अक्ल पर अभी भी पत्थर है। सुरेंद्र वहां से चल देता है, और अगर तू अतीत से बाहर नहीं निकला तो तेरे बसे बसाए घर में आग लगते देर नहीं लगेगी। फैसला तेरे और नसीब भी तेरा। इतना समझाते ही सुरेंद्र वहां से निकलता है। तो दोस्तों, क्या है राज इस अधूरी कहानी के पीछे? पूरी स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करने, साथ ही लाइक शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर रिंग कर दें। थैंक यू।